समाचार एक्सप्रेस में मैं आपके साथ नेहा वर्मा। किसान पिछले 58 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार के साथ किसानों की कई बार वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला है। हमारे साथ आज मौजूद हैं भारतीय किसान मजदूर नौजवान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र आर्य जी। आज हम इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे किसानों के धरने को लेकर। तो हम सबसे पहले हम आपसे सवाल करते हैं कि भी ये किसान आंदोलन जो कर रहे हैं किसान, क्यों कर रहे हैं? जी देखिए, जैसे 5 जून 2020 को 3 ऑर्डिनेंस सरकार लेकर आई और बड़ी जल्दबाजी में बिना किसानों से पूछे, बिना कोई कंसेंसस किए, बड़ी जल्दबाजी में कोरोना का भी परवाह नहीं की और इनको कानूनों में बदल दिया। अब लब्बो लबाब ये है, संशय ये है, सरकार फसल खरीद से भागना चाहती है और एमएसपी से तुरंत प्रभाव से भागना चाहती है। सरकार ये कहती है फसल खरीदना, फसल किसान पैदा करता है, व्यापारी खरीदता है, हमारा बीच में कोई रोल नहीं है और फसल खरीदना हमारे लिए घाटे का सौदा है और फिजिकल डेफिसिट होता है और सरकार नहीं चाहती फसल खरीदना और एमएसपी तो बिल्कुल ही नहीं चाहती। लेकिन सरकार ने कहा है कि वो एमएसपी उसी दाम पे देगी जिस दाम पे एमएसपी कम दाम पे दी जाएगी। देखिए एमएसपी तो 1967 से है जी। और उसके बावजूद भी केवल देश का 6% फूड ग्रेन एमएसपी पर खरीदा जाता है, 94% नहीं खरीदा जाता। एमएसपी तो पिछली सरकार ने लागू करी थी। तो सरकार ने कहना है एमएसपी पर तो कोई चेंजेस आएंगे नहीं, एमएसपी वही की वही दाम पे आपको दी जाएगी जो दी जाती है। अगर चेंजेस नहीं आएंगे तो तीन जो कानून बने हैं उसमें एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं है, एमएसपी गारंटी का कहीं जिक्र नहीं है, लिखने में क्या जा रहा था? एमएसपी का जिक्र नहीं है तो फिर ये आंदोलन को लेकर, एमएसपी को लेकर प्रदर्शन क्यों? एमएसपी को लेकर ही क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है जब एमएसपी का कानून में कोई जिक्र ही नहीं है, तो एमएसपी को मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? किसानों को ये भारी डर सता रहा है, ये कृषि सुधारों के नाम पे किसानों की जो फसलें हैं वो ऐसे सड़कों पे गिरेंगी जिस तरीके से सब्जी आज सड़कों पे आलू टमाटर और प्याज किसान सड़कों पे फेंकनी पड़ती है, कोई खरीदार नहीं है सब्जी की तरह गेहूं और जो चावल है। तो जो सरकार ने कह दिया कि सरकार एमएसपी उसी दाम पे देगी, तो क्या किसानों को सरकार की बात पर भरोसा नहीं है, सरकार पर भरोसा नहीं है? देखिए अमित शाह जी से तो हमारी बात हुई थी मीटिंग में, पूसा में हमने अमित शाह जी से ये पूछा था किसानों ने, कानून की बात हम एमएसपी पर कानून चाहते हैं, आप ये बताइए 23 फसलें जो हैं जो एमएसपी जिनका निर्धारित किया गया है, क्या आप वो 23 फसलें एमएसपी पर सरकार खरीदने के लिए तैयार है या सरकार गारंटी लेती है प्राइवेट प्लेयर अगर नहीं आते तो सरकार खरीदेगी? तो अमित शाह जी ने जवाब दिया ये 17 लाख करोड़ रुपए का मामला है, 17 लाख करोड़ रुपए लागत लगती है सरकार की और सरकार के पास इतना प्रोविजन नहीं है इतने फंड का। तो हमने सुझाव दिया जब आप अंबानी अडानी को ले आए हो, प्राइवेट प्लेयर्स को ले आए हो, तो वो लोग खरीदेंगे, आपके ऊपर ये कोई बोझ नहीं है, अगर वो नहीं खरीदते तो आपको खरीदना है। और वो अगर 17 लाख करोड़ का प्राइवेट प्लेयर खरीदेंगे तो 17 लाख करोड़ का कम से कम बेचेंगे भी, उनकी जेब से पैसा लगेगा। तो इस पर भी जब अमित शाह जी ने हाथ खड़े कर दिए तो हमने उनको ये सुझाव दिया अपनी तरफ से, अगर एमएसपी के हिसाब से टोटल फूड ग्रेन का जो लाभ जो वैल्यू बनती है, एमएसपी से ही दिक्कत है, एमएसपी का ही विरोध है या तीनों कानूनों का विरोध है? देखिए कानूनों का भी विरोध है क्योंकि किसानों को विश्वास में नहीं लिया गया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने यह खुद माना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना है भी 9 कमियां किसानों के साथ मीटिंग में सामने आई हैं और इन पे अमेंडमेंट करने के लिए हम तैयार हैं। हम ये कहते हैं कमियां तो बहुत ज्यादा है, जिस तरीके से आपने जीएसटी में 300 अमेंडमेंट किए, यहां पे बहुत सारे अमेंडमेंट बनते हैं और जब इतने अमेंडमेंट हो जाते हैं तो उन कानूनों का कोई औचित्य नहीं रहता। आप गाड़ी चलाते हो, अगर एक ट्यूब में 300 पंचर लग जाए तो क्या वो ट्यूब की आगे चल पाएगी? किसानों ने इस आंदोलन को लेकर किसान की और सरकार की 11वें दौर की आज वार्ता हो रही है किसान, ठीक है? तो उस जो वार्ता में किसान, पिछली वार्ता में सरकार ने क्या कहा था कि 1.5 साल तक के लिए उनको होल्ड रखने के लिए कहा था इस तीनों कानून को, लेकिन किसान फिर भी मानने को तैयार नहीं है जी। क्यों जी? देखिए
जो किसानों की चार मांगे थी, तीसरी और जो चौथी मांग थी वो सरकार ने जानबूझकर वो लेकर आई थी वो मांग। जैसे आप चौथी मांग के बारे में अगर जिक्र करो, जो जो किसान पराली जलाएगा उसको 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 3 साल की सजा। क्या कोई किसान 1 करोड़ रुपए का जुर्माना दे सकता है? तो सरकार वो जानबूझकर वो तीन जो तीसरा और चौथा लेकर आई थी, ताकि जब आंदोलन होगा, सरकार को आभास था बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन होगा और हम तीसरी चौथी मांग मान लेंगे और पहली और दूसरी जो मांग है, जो बड़ी मांग है, उस पे हम ध्यान भटका देंगे किसान का। पर ऐसा नहीं हुआ। जो हमारी दूसरी मांग है, एमएसपी की मांग है, बहुत बड़ी मांग है, पूरे देश का किसान उस मांग से प्रभावित होता है। अगर एमएसपी का कानून बन जाता है तो पूरे देश के किसान को फसल के हिसाब से जो उसने फसल बोई है, 20,000 से 30,000 प्रति एकड़ का मुनाफा होता है, फायदा होता है, जो आज नुकसान हो रहा है। और जब हमने अमित शाह जी को कहा मीटिंग में, पूसा में, अगर 17 लाख करोड़ रुपए की टोटल वैल्यू बनती है फूड ग्रेन की, और अगर सरकार उसको 14 लाख करोड़ में खरीदती है या प्राइवेट प्लेयर खरीदता है, तो किसान को जो 3 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, वो सरकार, केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार भावांतर योजना के तहत वो 3 लाख करोड़ का जो नुकसान हुआ है वो किसानों के खाते में डायरेक्ट डाल दे। उस पर भी कोई सहमति नहीं बन पाई। तो किसान आंदोलन का विदेशी फंडिंग से क्या लेन देन? देखिए, आप यहां रहते हो, शहर में रहते हो, आपका अगर कोई भाई, चाचा, ताऊ या आपके पिता विदेश में गए हैं, तो वो रेगुलर आपको पैसा भेजते हैं आपकी जरूरतों के लिए। आप कहीं बीमार हो, संघर्षरत हो, या आपको पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, तो जो अपने लोग हैं वो अपनों को ही पैसा दे रहे हैं। बाहर से कोई ऐसा, जो NIA के जो लेटर आए हैं हमारे पास, मैं उसको कहूंगा वो पॉलिटिकल टेररिज्म है, जो सरकार NIA का मिसयूज करके किसानों को परेशान कर रही है। और राजनीतिक पार्टियों पे भी विदेश से बहुत ज्यादा पैसा आता है, चंदा आता है, RTI के दायरे में भी नहीं आता। जब लोग यहाँ चुनाव लड़ते हैं हिंदुस्तान में, अलग अलग पार्टियों से लड़ते हैं, तो विदेशों से उनके चाहने वाले उनको पैसा देते हैं। अगर किसानों के चाहने वाले, किसानों के नजदीकी संबंधी मित्र किसानों को पैसा दे रहे हैं, तो वो इस तरीके से पैसा आ रहा है जैसे गुरुद्वारों में, धार्मिक आयोजनों में, किसी सामाजिक आंदोलनों में जो पैसा आता है, उसी तरीके से, उससे ज्यादा कोई ऐसी बात नहीं है। कोई चीन की या पाकिस्तान की कोई फंडिंग है, ऐसे आरोप बिल्कुल निराधार है और हम इनका खंडन करते हैं। आप कह रहे हो कि भी ये फंडिंग के पैसे हैं जो कि ये नहीं आए हैं, ये केवल रिश्तेदारों के द्वारा भिजवाए गए हैं। क्या ये सभी किसानों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं पैसे, या केवल कुछ जिनके रिश्तेदार केवल वहां पर बैठे हैं उन्हीं के लिए? देखिए, ये व्यक्तिगत बात है। हाँ। व्यक्तिगत जिसका संबंध है, कौन किससे उधार लेता है, कौन किसका सहयोग करता है, कौन किसको लोन देता है, ये व्यक्तिगत बातें हैं। इसमें कोई जो सरकार का आरोप है दंगा भड़काने की के लिए फंडिंग आ रही है, सरकार को निस्तो नाबूद करने के लिए फंडिंग आ रही है, ये सरासर बिल्कुल गलत है और किसानों में इससे भारी आक्रोश है और किसान नाराज हैं इस बात से। इसका कोई प्रूफ, कोई एविडेंस अगर सरकार के पास है, कोई इस तरीके के जो देश के विरुद्ध संगठन है, अगर उन्होंने किसी को फंडिंग दी है, तो सरकार उसके साक्ष्य पेश करे। तो जो वहां से पैसा आ रहा है वो उनका व्यक्तिगत पैसा है, वो कहीं से मर्जी ले, ठीक है? हाँ, बिल्कुल, 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 ठीक है। अगर वहां से कुछ पैसा आ रहा है तो वह आंदोलन पर खर्च कर रहे हैं, ठीक है? वो आंदोलन पर खर्च कर रहे हैं, एक सामूहिक तौर पर उसको खर्च कर रहे हैं। क्या इतनी बड़ी पेमेंट आ रही है वहां से? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जब चंद्रशेखर आजादी की लड़ाई में संघर्षरत थे, काकोरी कांड बड़ा प्रचलित कांड है, अंग्रेजी उन्होंने खजाना लूटा था, अंग्रेजी ट्रेन लूटकर उन्होंने अपनी लड़ाई के लिए जो बंदोबस्त करने थे, संघर्षों में पैसा लगता है और संघर्ष बिना पैसे के, बिना फंडिंग के नहीं हो सकते। मानते हो फंडिंग हो रही है? महाराणा प्रताप को भामाशाह, आज भी मशहूर है ना, महाराणा प्रताप को भामाशाह ने मदद करी थी और उसके बाद भामाशाह ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई जीती थी। मतलब आप मानते हो कि विदेश से फंडिंग हो रही है, फंडिंग के दम पर ये संघर्ष हो रहा है? देखिए, जायज तरीके से जी पैसा कहीं से भी आ सकता है जी। आप इस
उस तरीके से कोई पैसा नहीं आ रहा जिस तरीके से बेनामी पैसा राजनीतिक पार्टियों के पास आ रहा है। क्या पैसा इतना आ रहा है कि किसान धरने पर बैठकर टीवी से लेकर मसाज पार्लर तक का यूज कर रहे हैं? क्या संघर्ष इस तरह से होता है कि वहां पे बैठे आप सभी सुविधा आपको मुहैया करवाई जा रही है, वो संघर्ष है या सुविधा दिखा के सरकार को क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या देखिए, किसान इस देश की रीढ़ है बिल्कुल, और किसान अपने हक हलाल की कमाई खाता है जी। किसान अपने घरों से वो आंदोलन चला रहे हैं। अगर आप जो आरोप लगाते हो गलत तरीके से पैसा आ रहा है या किसी राजनीतिक पार्टी का पैसा आ रहा है, तो आप उस बात को साबित करिए। अगर कोई गलत तरीके से पैसा ले रहा है तो हम ये पूरे किसानों की मीटिंग में ये बात रखेंगे, और अगर कोई गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे आंदोलन को ठीक रखने का। किसान आंदोलन धार्मिक है? किसानी एक जमात है, किसानी एक धर्म है, किसानी एक जमात है, और जमात में ही करामात है। हम इसको धार्मिक पहलू से कतई नहीं देख सकते। अन्नदाता का आंदोलन है, और किसान, मजदूर, गरीब, मजलूल, छोटा अड़ती, मुनीम, व्यापारी, पल्लेदार, जनता, नौजवान इसके साथ जुड़े हुए हैं। पंजाब में सिख किसानों ने हिंदुओं को गालियां क्यों दी थी? फिर देखिए, जब आंदोलन पीक पर होता है तो सरकार के इशारे पर या कोई गैर जिम्मेवार आदमी या कोई असामाजिक आदमी कुछ ऐसा बयान देता है तो उसके लिए हम कतई भी जिम्मेवार नहीं हैं। हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जो हमारे आधिकारिक बयान आते हैं, हमारा जो आईटी सेल है, हम उसके प्रति जवाबदेह हैं। टीवी चैनलों पर भी बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जिनका संयुक्त किसान मोर्चा से कोई लेना देना नहीं है। वो किसी मीटिंग में कभी वहां सिंधु बॉर्डर पर जहां हमारी मीटिंग होती है वहां कभी मौजूद नहीं रहे, पर टीवी चैनलों पर वो डिबेट में लोग बिठाए जा रहे हैं। लेकिन पंजाब में तो जो वहां के सीएम हैं अमरिंदर, तो उन्होंने तो कहा था कि यहाँ पर ये तीनों कानून लागू नहीं होंगे, फिर भी सिख है जो सिख किसान है वो फिर भी इस आंदोलन में अपनी भागीदारी क्यों निभा रहे हैं? देखिए, यहाँ बात हिंदू या सिख की नहीं है जी, सभी एक हैं, इकट्ठे हैं, तीनों कानून की है। तो जब वहां पे कानून ही पास नहीं हो तो वहां पर विरोध प्रदर्शन क्यों? देखिए, किसान जो हैं वो पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, और एमएसपी के बावजूद भी कानून ना बनने की वजह से, दंडनीय अपराध ना होने की वजह से किसान की फसल को हरियाणा और पंजाब में जहां एमएसपी लागू है वहां भी लूटा जा रहा है। हरियाणा में अब 2 महीने पहले गेहूं बिकी थी, गेहूं का 1888 रुपए रेट था और किसान को मिला 1600 या 1650 रुपए। जो बीच का जो डिफरेंस था वो एफसीआई मंत्री, उसके कर्मचारी अधिकारी डिपार्टमेंट के, मार्केटिंग बोर्ड के कर्मचारी अधिकारी, और जो एहफेड जैसी खरीद एजेंसियां हैं या जो सेलर मिलर हैं उनको जो घोटाला हुआ है उनके पास उसका पैसा गया है। जब तक कानून नहीं बनेगा घोटाले नहीं रुकेंगे। हरियाणा में धान घोटाला हुआ था, बहुत चर्चित धान घोटाला हुआ था, डिप्टी सीएम तक का उसमें नाम आया था, और मिलों की, सेलरों की फिजिकल वेरिफिकेशन हुई थी, और आज भी उसमें जांच लंबित पड़ी है। जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं, उन पर आरोप लगे हैं अभी कुछ ही दिनों पहले, वो आरोप कितने सही हैं कितने नहीं? देखिए, आरोप कोई क्या आरोप लगे हैं उन पर? आरोप कोई भी किसी पर लगा सकता है जी। और जो 7 सदस्य है, जो कमेटी है उसमें से 6 सदस्य है, क्योंकि एक वही व्यक्ति थे उसमें 7वें जिन पर आरोप लगे थे, उनसे अलग 6 लोगों ने मामले का संज्ञान लिया, सुनवाई करी। जब कोई फैक्ट, फिगर, डाटा, स्टैटिक्स, कोई वीडियो नहीं मिला, कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं मिली, कोई किसी तरीके की चेक के थ्रू या कोई ऐसी बात नहीं मिली, तो उनको, उनका जो सस्पेंशन था उसको बहाल कर दिया गया। मतलब उनके ऊपर जो आरोप लगे थे सभी गलत थे? कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है कि आरोप सही है। तो उनके ऊपर 2 साल पहले 2019 में जो एफआईआर दर्ज हुई थी वह क्यों हुई थी? किस मामले में? उनके ऊपर रिश्वत लेने के मामले में, 1 लाख की रिश्वत लेने के मामले में पहले एफआईआर दर्ज हुई थी, क्यों हुई थी?
जी देखिए, उस बारे में मेरे पास कोई फैक्ट फिगर डाटा स्टैटिस्टिक्स नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो मैं उस पर कुछ कोई बयान नहीं दे सकता। वो अभी भी अपने आप को भाक्यू का नेता बताते, अध्यक्ष बताते हैं जी, लेकिन भाक्यू से वह 2014 से ही निष्कासित हो चुके थे जी। तो वह अपने आप को किस आधार पर भाक्यू का नेता बताते हैं, अध्यक्ष बताते हैं अभी भी? ये उनका, उनके संगठन का और उनका व्यक्तिगत मसला है। आपके संगठन के ही भाक्यू के नेता ने ही उनके ऊपर FIR दर्ज करवाई थी कि वे भाक्यू का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, क्यों? देखिए, वो FIR पढ़कर वो उसमें क्या आरोप है? FIR का नहीं पता। देखिए, मीडिया के माध्यम से पता चला था जी। उसमें संगठन का नाम इस्तेमाल करने की बात उसमें कही गई थी जी। पर वो अभी मामला लंबित है, उसमें कोई जो अधिकारी हैं या जो कोर्ट में जो मामला है उसके, उसका फैसले के बाद ही कोई बयान दिया जा सकता है। वो तो फैसला 2019 का है, 2019 से उनके ऊपर आरोप सिद्ध भी हो चुके थे। फैसला नहीं, उसमें कोई फैसला नहीं आया अभी। मतलब आपको इसकी नॉलेज है, लेकिन आप कह रहे हो कि भी मेरे को इस मामले का भी कोई संज्ञान में नहीं है। देखिए, जब तक कोई मामला विचाराधीन है तो उसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। सब जुडिस, अगर कोई मामला है, कोई जांच, उसकी जांच होगी, हो रही होगी, कोई उसमें आदेश आएगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। गुरनाम चुन्नी जी ने राजनीतिक जो कि बैठकें बुलाई, पहले दो दौर की बैठकें बुलाई, फिर तीसरे दौर की बैठक बुलाई उन्होंने, वह बैठकें उन्होंने क्यों बुलाई विपक्षी बैठकें? ये भी उनका व्यक्तिगत फैसला रहा होगा। संयुक्त किसान मोर्चा से इस फैसले का कोई लेना देना नहीं रहा। सभी मामले उनके व्यक्तिगत हैं, फिर आप इस वाले आरोप से आपको क्यों नकारते हो कि भी उनके ये वाले आरोप, सभी साक्ष्य नहीं मिले हैं, हम इस आरोप से निकारते हैं जो उनके ऊपर। देखिए, मैंने सिर्फ ये बात कही है, कोई साक्ष्य ऐसा, देखिए, कोई जब पैसे का आरोप लगता है जी। कोई या तो किसी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया हो, रेड हैंडेड जिसको बोलते हैं, या कोई ऑडियो वीडियो हो, या कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, चेक के मार्फत दिया गया हो, अगर किसी ने कोई अमाउंट दिया है तो उनके पास इतने अमाउंट का कोई प्रूफ तो होगा, या कोई NIA जो ने कोई प्रूफ जुटाया हो। जांच कर रही है, पर कोई साक्ष्य है, अगर कोई आएगा तो खुले मन से उन बातों पर, आंदोलन के मद्देनजर या आंदोलन के बाद उन बातों पर, वो तो जनता की अदालत में होंगे सारे के सारे। फिर जो आप पार्टी की एक चैट वायरल हो रही है, वह उसमें किस पैसों का लेन देन हो रहा है? आप कह रहे हैं अभी इसका कोई साक्ष्य नहीं, उसमें किस पैसों का लेन देन हो रहा है? देखिए, वो चैट मैंने देखी नहीं है, अगर चैट को कोई पढ़ भी ले उसको, तो उसके बाद भी कोई एविडेंस की जरूरत पड़ती है। बिना चैनल के माध्यम से ही वह चैट भी आप दिखाई गई थी जी, तो क्या आपने वो चैट? देखिए, चैट कोई पूर्ण रूप से कोई साक्ष्य नहीं होता, कोई ट्रांजैक्शन प्रूव नहीं करती कोई चैट, लेकिन कहीं ना कहीं तो आरोपों को सिद्ध किया जा सकता है उनको लेकर। अगर एविडेंस है आपके पास, एविडेंस से ही तो सिद्ध किया जा सकता है, ये तो बात साबित करनी पड़ेगी ना, किस तारीख को, किस तरीके से, कितने पैसे की डिलीवरी, कहां, किसने की, कोई आदमी सामने आए कोई कहे भी मेरे से लिए गए हैं या मैंने दिए हैं। जी, सारे सवाल तो नकार रहे हैं इनको कुछ ज्ञान ही होल्ड आउट नकार रहे हैं। मेन चीज है कि जब चैट इशू हुआ, हां चैट इशू हुआ, इन्होंने नंबरों के जो दिए थे लंगर वाली बात, वो फंडिंग कहां गई फिर? वही तो बात है, तो ये नकार रहे हैं ना, डायरेक्टली नकार जाते हैं, मुझे इससे व्यक्तिगत पे ले जाते हैं सारी। क्या कहूं बताओ, जब मेरे पास कोई, देखो सुनो, अगर मैं आज बोल देता हूं कोई बात तो मुझे भी तो उसका, अगर कोई मेरे ऊपर, सुनो दूसरा एक आप कह रहे हो कि हम आरोप लगा रहे हैं, चैनल आरोप लगा रहा है, बिल्कुल बचा रहे हैं ये उनको, मैं बचा नहीं रहा हूं, जबकि जो है वीडियो वायरल हुई है, खालिस्तानी बंदे ने सीधे ये कहा है पाकिस्तान से कि हमें फंडिंग करो। देखिए, सिखों को बचाओ। अच्छा, एक बात सुनो, आप कह रहे हो कि सिख और हिंदू किसान एक हैं। अगर सिख और हिंदू किसान एक हैं, तो इन्होंने सिखों ने सिंघू बॉर्डर पे बैठ के, टिकरी बॉर्डर पे बैठ के हिंदू सिखों, हिंदुओं को क्यों गाली? देखिए, आप जो क्रिकेटर जो युवराज की अगर बात करें, आज कोई आदमी अगर मंदा ओछा बोलेगा, वो
उसके बाद से वहाँ उसका हिस्सा नहीं रहा। हिंदू किसानों ने विरोध क्यों नहीं किया फिर? विरोध हुआ है उसका, और उसी की सुनो आपने विरोध किया, सुनो सुनो, उसी की वजह से उनको उनकी एंट्री वहां बैन है। किसकी बैन है? युवराज सिंह की। मैं बात युवराज सिंह की नहीं कह रहा, बात सिख किसानों ने बकायदा हिंदू किसानों को मां बहन की गाली दी है। हाँ ठीक है जी। हाँ हाँ, और उस चीज को लेकर के हिंदू किसानों ने विरोध क्यों नहीं जताया? देखिए मामला ये है, कोई जब आदमी कोई जिम्मेवार है, देखो आप यहाँ जिम्मेवार आदमी हूँ। देखिए आर्य साहब, देखो तो आप अपने आप को सेव करके लेके चल रहे हो। बहुत सेव कर रहे हैं, बहुत सेव कर रहे हैं। क्या सेव करके चल रहे हैं? चलो आगे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। छोड़ो, हाँ हाँ, चलो आगे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जो ये किसानों के रैली निकाली जा रही है, किसानों ने ऐलान किया है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को वह ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, आखिर वह 26 जनवरी को ही यह ट्रैक्टर रैली क्यों निकालेंगे, कोई और तारीख क्यों नहीं? देखिए इस बार बड़े स्तर पर किसान गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, मना रहे हैं, बड़े स्तर पर मना रहे हैं, और उनका अधिकार है जी। किसान गणतंत्र दिवस पर हमारी सेना एक मैसेज देती है, हम शांति प्रिय हैं और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन करते हैं। किसान भी उस तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे और ये दिखाएंगे हम शांत हैं, और किसान गणतंत्र दिवस को गण दिवस में नहीं बदलने देगा किसी तरीके से। 26 जनवरी ही क्यों, रिपब्लिक डे ही क्यों, बल्कि 26 जनवरी हमारे देश का हर नागरिक इस स्वतंत्रता के त्योहार को, इस राष्ट्रीय पर्व को मनाता है, इसी राष्ट्रीय पर्व को बिगाड़ने की क्यों कोशिश की जा रही है? बिगाड़ने की कोई कोशिश नहीं की जा रही किसी भी तरीके से, कोई तो आंदोलन के एक लिए बड़ा समूह, जब पता है एक बड़ा समूह आंदोलन हो रहा है, पहले अपना घरोंडा में हुआ, काफी आंदोलन हुए, तो एक 26 जनवरी की डेट को ही क्यों फिक्स किया? क्या इसके पीछे किसी विदेशी ताकतों का हाथ है? किसी विदेशी ताकत का नहीं, हाथ नहीं है। कोई भी आप आइडेंटिफाई करके दिखाओ वहाँ जी, किसी का प्रूफ दिखाओ, क्या जो किसान लोग हैं, क्या किसान इस बात की गारंटी लेते हैं कि 26 जनवरी को जो प्रदर्शन होगा वह बिल्कुल शांतिपूर्वक होगा, वहां पे कोई भी भड़काऊ प्रदर्शन नहीं किया जाएगा? हम इस बात की पूरी गारंटी लेते हैं, पूरी जिम्मेवारी से, हाँ बिल्कुल पूरी जिम्मेवारी से ये कहते हैं, हम किसान का जो बॉर्न एंड बॉटअप है, पैदाइश परवरिश है, मैनर्स एटिकेट्स है, वो शांति और अहिंसा की है, और किसान आंदोलन की मजबूती का और जीत का एक ही मंत्र है, शांति अहिंसा आपसी सहयोग परस्पर भाईचारा। अगर हम इससे कहीं भी डगमगाएंगे तो हम आंदोलन हार जाएंगे। हमने सभी साथियों को ये कह दिया है, आप जिस तरीके से ट्रैक्टर तैयार करवा रहे हो, आगे उसके ऐसे ही साधन लगवा रहे हो जो बैरिकेड तोड़ेंगे, इन बातों को बंद करो, कोई ट्रैक्टर कोई वहां कर्तव्य नहीं दिखाएगा। शांतिपूर्वक तरीके से अलग अलग प्रदेशों की झांकियां केवल आउटर रिंग रोड पर निकाली जाएगी। हमारे कुछ जो भड़काऊ बयान दिया उसका भी हमने विरोध किया, उन्होंने जब ये बयान दिया भी हम लाल किले पर या संसद पर किसान यूनियन का झंडा लगा देंगे, या जवानों की जो परेड है उसको डिस्टर्ब कर देंगे, अपनी परेड वहां निकालेंगे, ये इन बातों का पूरा विरोध हम करते हैं। ये गलत बयानबाजी है, और उनको जब मीटिंग हुई है उनमें ये बोला गया है उन लोगों को, आप अपनी जुबान पर लगाम लगाइए, और जो संयुक्त तौर पर फैसला होता है, आधिकारिक फैसला होता है, उससे बाहर आप नहीं जा सकते। आखिर जब शांतिपूर्वक ढंग से किसानों को आंदोलन करना है 26 जनवरी को, तो दिल्ली पुलिस द्वारा रिंग रोड को छोड़ के और जगह आंदोलन करने के लिए कहा गया, तो रिंग रोड की जिद किस लिए पर अड़ा हुआ है? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये पहले ये माना डिसीजन में, किसानों को कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में, दिल्ली के किसी भी हिस्से में शांतिपूर्वक आंदोलन करने का, आने जाने का अधिकार है। अब दिल्ली पुलिस ने और एक सरकार के इशारे पर किसी समाज सेवी, तथाकथित समाज सेवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली 26 जनवरी की परेड को किसानों की रोका जाए, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा ये हम इसको नहीं रोक सकते, हम सुप्रीम कोर्ट में विश्वास रखते हैं। रोक सकती, लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा आप लोगों तक एक गुजारिश की जा रही है कि भी रिंग रोड तक ये प्रदर्शन ना किया जाए, ये प्रदर्शन कहीं और किया जाए। प्रदर्शन ही करना है सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना है, आप उस प्रदर्शन को कहीं और भी कर सकते हैं क्योंकि आपने शांतिपूर्वक ढंग से करना है, लेकिन जब शांतिपूर्वक ढंग से आपने प्रदर्शन करा तो एक जिद क्यों पकड़ी हुई है कि हमें रिंग रोड से ही प्रदर्शन करना है, जब कोई आप आंदोलन को भड़काना नहीं चाहते? देखिए हमने ये स्पष्ट कर दिया है, राजपथ से बहुत दूर रहेंगे, संसद से लाल किले से बहुत दूर रहेंगे, और हमें रिंग रोड पे प्रदर्शन करने दिया जाए, और
हमने जिम्मेवारी ली है, ड्यूटियां लगाई है, गणतंत्र दिवस है जी, उस दिन गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम आयोजित होता है दिल्ली में, ठीक है, वहाँ पर कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की बाधा ना आए, वहाँ पर हर तरह से पुलिस सेफ्टी रखती है, लेकिन फिर भी आप पुलिस का साथ ना देकर उनको ये क्यों कह रहे हैं कि भी नहीं हम रिंग रोड से ही प्रदर्शन करेंगे? देखिए इस बारे में ये जिद क्यों, रूट के बारे में दिल्ली पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे 3 दिन से हमारी वार्ता लगातार जारी है और किसान पूरे तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से अपना जो प्रोग्राम है उसका जो रूट मैप है वो तैयार करके आधिकारिक तौर पर घोषणा करेंगे। हमारा कोई सीधे सीधे सरकार से टकराव का या हेड ऑन कॉलिजन का बिल्कुल भी कतई भी कोई सोच हमारी नहीं है। हम ये मानते हैं हम भी देशवासी हैं, जो सरकार में बैठे हैं वो भी देश के लोग हैं, हमारी कोई चाइना या पाकिस्तान से लड़ाई नहीं है, हम उनकी छाती पे ट्रैक्टर क्रेन कैंपेन या बुलडोजर चढ़ा देंगे। जब हम एक देश के नागरिक हैं और हमें पता है ये हमारा देश है, इस देश की लड़ाई के लिए कुछ सैनिक कुछ फौजी बॉर्डर पर खड़े होकर लड़ाई लड़ते हैं, वो अपनी जान तक गंवा देते हैं, लेकिन एक किसान है कि उसी दिन को जिस दिन हमारा एक स्वतंत्रता पर्व इस देश में मनाया था उसी दिन को चुनकर क्यों इस देश में प्रदर्शन को और भड़काने की कोशिश की जा रही है? देखिए आज 58वां दिन है, बिल्कुल, जब हम 58 दिन से दिल्ली में बैठे हैं उससे 5 जून 2020 से ये आंदोलन चल रहा है, हमारे 70 से ज्यादा किसान केवल दिल्ली 26 जनवरी आंदोलन से लेकर अब तक 70 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, तो तब सरकार ये गूंगी बहरी लाठी और गोली की सरकार ये कहां सो रही थी? हम कोई बात शांति से तरीके से प्यार से जब कहते हैं तो सरकार आंदोलन की अनदेखी करती है, और आप ये लोकतंत्र तो पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र नहीं है, जिस तरीके से ये कानून लेकर आए इन्होंने किसी सांसद से पूछा नहीं, कोई तरह अनडेमोक्रेटिक तरीके से अपने आप ले आए। ऑर्डिनेंस जो होते हैं वो आपातकाल में होते हैं, जब विश्व युद्ध छिड़ा हो कोई बड़ी वार स्तर की बात हो किसानों से पूछना चाहिए था किसान क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कर्जा मुक्ति, हम चाहते हैं स्वामी, चाहते हैं या किसी राजनीतिक दबाव में आकर किसान ये आंदोलन कर रहे हैं? राजनीतिक कोई दबाव नहीं है, हम तो ये कहते हैं एक पार्टी नागनाथ है तो दूसरी सांपनाथ है, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे प्रदेश की पार्टियां हो, ये पार्टियां सत्ता को हथियाने के लिए किसानों के बीच में जो घुसने का प्रयास करती है हम उस पर भी लगाम लगाते हैं। हमने अपने मंच पे किसी भी राजनीतिक पार्टी के लीडर को नहीं आने दिया, पूरी मनाही है। और जब बीजेपी आरोप लगा रही है भी ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है तो मैं इस पे ये जवाब ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी ने तो पूरा कोशिश कर लिया अब देश को कांग्रेस मुक्त किया जाए, क्या वो कांग्रेस मुक्त कर पाए? अब हम कैसे लगाम लगा सकते हैं किसी तरीके से, अगर जितनी संख्या बीजेपी की कांग्रेस की, मैं जवाब देना चाहता हूं बीजेपी वाले को, जितनी संख्या कांग्रेस वालों की देश की विधानसभाओं में लोकसभा में राज्यसभा में है उससे ज्यादा क्या उनकी संख्या ही कम है? समर्थन या विरोध संख्या के आधार पर होता है, उनके पास आज इतनी संख्या ही नहीं है अभी वो किसान आंदोलन को कोई हाईजैक कर सके, कोई किसान आंदोलन को गलत रूट पर वो चला सके या किसान आंदोलन में बैकडोर तरीके से वो आ सके, वो इस काबिल ही नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं आपको, अब किसान के घर में मातम है और जब कोई किसान जब घर में कोई डेथ होती है तो 13 दिन तक वहां पल्लड़ बिछा के नीचे पल बिछा के शोक व्यक्त करते हैं रस्म क्रिया तक, और उस दौरान किस दुख में किसानों को जो दुख है कोई किसी पार्टी का किसी भी धर्म का आदमी आता है ना तो उसको रोका जा सकता, वो सांत्वना देने आया है, ना उससे उसकी धर्म जाति और पार्टी पूछी जा सकती। हम भी एक हमारे 70 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं तो हम तो वहां दुख में बैठे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को रोके हुए हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं, सारे घटनाक्रमों के बावजूद सारे वार हमने सरकार के झेल लिए और लोगों के झेल लिए, कॉन्स्पिरेंसी कितनी झेली है उसके बावजूद भी मजबूत हैं हम। पिछले दिनों करनाल में बीजेपी द्वारा कांग्रेस का पुतला फूंका गया, क्या मतलब कि मतलब इसका मतलब है बीजेपी भी यही मानती है कि कांग्रेस पार्टी का इस आंदोलन के पीछे हाथ है? देखिए ये राजनीतिक बातें हैं, एक सत्ता तो पक्ष में राजनीति पे ही तो बोला अभी, एक सत्ता बीजेपी पार्टी को ये बताना चाहूंगा, एक सत्ता पक्ष है एक विपक्ष है, सत्ता पक्ष अपना काम कर रहा है, विपक्ष अपना काम कर रहा है, बीच में पीस कौन रहा है? किसान
किसान अपने आंदोलन रहता है, मांगों के लिए बैठा है, अपने हक के लिए बैठा है। जो एमएसपी है वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस या मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मांग रहे, और एमएसपी हम लेकर ही जाएंगे। बिना एमएसपी लिए हम हर किसी भी कीमत पर दिल्ली से नहीं जाने वाले। किसान ने जब 1.5 साल के लिए स्थगित कर दिया, तो 1.5 साल के लिए किसान क्यों नहीं होल्ड हो सकते? देखिए, चार मांगे थी, दो मांगे पूरे तरीके से लंबित है। सरकार जो दूसरी बात है, एमएसपी पर भी तो कोई प्रपोजल या कोई बात या कोई ड्राफ्ट नहीं दे रही। सरकार ने 7वीं मीटिंग में ये कहा था, हम एक कमेटी ऐसी बना लो और वो कमेटी एमएसपी को ऐसे सेफगार्ड करेगी जैसे कानून करता है। कानून बनाने से अब भी पीछे हट रहे हैं, और कानून अभी लागू तो नहीं हुआ ना। एमएसपी की बात है, कानून की हमें गारंटी चाहिए। मेन विरोध आपका एमएसपी से है। बहुत बड़ी मांग है एमएसपी, पूरे देश के हर किसान की मांग है। कानूनों से लेके सिर्फ एमएसपी से आपको विरोध है? कानूनों का भी विरोध है, एमएसपी का भी विरोध, सभी कानूनों का विरोध है। सभी कानून लागू नहीं हुए, सभी कानूनों का कानूनों तो अभी लागू नहीं हुए। देखिए, जो कानून बना दिए गए हैं उसके पीछे नियत नीति मंशा आप देखिए। और अगर जो ये कहते हैं, मैं ये भी मांग करता हूं आपके माध्यम से सरकार से, वो कहते हैं पिछले 5-10 साल से हम कॉरपोरेट से बात कर रहे हैं, उनके सीईओ से हमारी मीटिंग जारी है। और मैं कहना चाहता हूं अगली मीटिंग में जो कॉरपोरेट के सीईओ हैं, जिनकी नजर किसान की फसल पर है, जो एमएसपी का कानून नहीं बनने दे रहे, उनको भी बेनकाब करने के लिए विज्ञान भवन में मीटिंग में बुलाया जाए, सभी कंपनीज के कॉरपोरेट के सीईओ को। और अंदर खाते ये भी बात आ रही है, कॉरपोरेट ने सरकार को ये मना कर दिया है कि आप अगर एमएसपी का कानून बनाओगे तो हम इस कृषि में के क्षेत्र में हम नहीं आएंगे, हम साइलो नहीं बनाएंगे, हम फसल नहीं खरीदेंगे। क्योंकि कॉरपोरेट को ये अंदेशा है, अगर एमएसपी का कानून बनता है तो उनके मुनाफे पर कैंची चलेगी, जो बहुत अधिक मुनाफा कमाने की नीयत से इस क्षेत्र में आ रहे थे। अगर ये राजनीति नहीं है तो सुरजेवाला और हुड्डा जी क्यों आए थे? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं सभी राजनीतिक लोगों को, हमारे से आप दूरी बनाए रखें, और हमारे प्रोग्रामों में इस तरीके से बढ़ चढ़कर भागीदार या हिस्सेदार बनने का दिखावा कतई ना करें। और किसान मजबूत है, किसान भी तो उन नेताओं के साथ लंगर चख रहा था। देखिए, ये इस तरीके की जो बात आप कह रहे हो, मैंने यही बताया, कोई जब किसान 70 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, भावनात्मक तौर से किसान किसी को धक्के मारकर या बेइज्जती करके वहाँ से नहीं निकाल सकता, ना निकालना चाहता है। किसान का अदब तहजीब बहुत अच्छा है, और किसान राजनीतिक लोगों से किसी को धक्के मारकर नहीं निकालना चाहता किसी को। तो फिर सीएम मनोहर लाल का जब कैमला गांव में प्रोग्राम था, तो उस समय उनका प्रदर्शन क्यों, पोस्टर क्यों फाड़े गए, उनको हेलीकॉप्टर क्यों नहीं उतरने दिया गया? देखिए, इस मामले में जी, मेरे ऊपर भी FIR दर्ज है जी। और बीजेपी के जो जिला करनाल के कुछ लोगों के मेरे पास फोन आए हैं, उन्होंने ये मुझे कहा है, आपके आंदोलन की जो सफलता हुई है, जो मुख्यमंत्री का प्रोग्राम कैंसल हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं जो बीजेपी पार्टी के अंदर भीतरी घात था, जो विधायक का विरोध करने वाले थे या टिकट मांगने वाले थे, उन्होंने भी अपने आदमी वहां प्लांट कर रखे थे, और अपने आदमियों के माध्यम से किसानों पर लाठियां भंजवाई, जिसकी वजह से किसान आक्रोश में आया। बात कैसे कह सकते हैं कि विधायक के टिकट के वजह से ही यह उनके ही आदमी थे, आप इस बात को कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखिए, कुछ तो जिसने प्रोग्राम किया, विधायक ने प्रोग्राम किया, विधायक ने भी वहां अपने कुछ आदमी बुलाए होंगे, भाई आप प्रोग्राम की सुरक्षा करें जी। जिस तरीके से कैमले में हम 2-3 दिन पहले गए थे, तो कुछ बीजेपी के लोग, बीजेपी के पन्ना प्रमुख, जो बीजेपी से मार्केटिंग बोर्ड की चेयरमैन नहीं चाहते हैं, बीजेपी के सपोर्ट से सरपंच या जिला परिषद मेंबर बनना चाहते हैं, वो लोग कैमला मुख्यमंत्री के आने से, प्रोग्राम से पहले हमारे विरोध में कैमला में आ गए थे। क्या बीजेपी के इतने बड़े समर्थक कैमला गांव में इकट्ठे हो गए थे कि भी किसानों से भी ज्यादा वो समर्थक थे, और वो किसानों पर हावी हो गए और उन्होंने प्रदर्शन का रूप दे दिया? देखिए, हमारा जहां तक विरोध था, हमारा ये था भी मुख्यमंत्री जी
का जो हेलीकॉप्टर है वो नीचे ना उतरे, उसने उसने संवाद नहीं किया। मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं बताना, उनके साथ लंगर चखा लेकिन उनसे बात नहीं की गई। हम वहां कामयाब हो गए थे जब मुख्यमंत्री जी ने अपना हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतारा, पर जो वहां स्टेज पे जो मामला हुआ है, जो तोड़फोड़ हुई है, उसमें जो लोग नशे में थे और जिन्होंने किसानों पर अटैक किया, उसमें कुछ लोग जो बीजेपी का जो भीतरी घात है उससे प्रेरित भी थे, कुछ लोग बीजेपी के नेताओं के भेजे हुए थे। बीजेपी के नेताओं के लोग इतने एकत्रित थे कि किसानों की संख्या उनके सामने बहुत कम थी, ये कहना चाहते हैं? देखिए, किसानों की संख्या भी कम नहीं थी और बीजेपी के लोगों की संख्या भी संख्या कम नहीं थी, संख्या ज्यादा थी। हमारा जितना भी किसानों पर हावी हो गए, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, जिस तरीके से हम दिल्ली में कई लाख की संख्या में बैठे हैं, कोई हिंसा तो नहीं हमने होने दी, पूरा कंट्रोल है। ताली बजती है जब वो दोनों हाथों से बजती है, एक पक्ष जब दूसरे को उकसाता है और लाठी दिखाता है और गलत शब्द यूज करता है, तो फिर वहां स्कफल की बात आ जाती है। और अगर जो कैमला में बीजेपी पक्ष के लोग थे वो अगर शांतिपूर्वक होते तो हम तो वहां ऐसी नौबत ही नहीं आनी थी। मतलब आपको इस चीज का पहले आभास हो चुका था कि यहाँ पर बीजेपी के जो अंदरघात लोग हैं वो नशे की हालत में हैं और वो कुछ ना कुछ करेंगे। जब आपको इस बात का आभास हो चुका था तो आपने एक यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते एक सुरक्षा की दृष्टि से क्यों पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, क्यों किसी को इसमें इन्फॉर्म नहीं किया गया? देखिए, बिना भीतरी घात के, विभीषण के बिना लंका नहीं ढाई जा सकती थी। बीजेपी का भीतरी घात 100% है कैमला प्रकरण में। मतलब किसानों का कोई हाथ नहीं है? जब आपने कहा विभीषण के बिना लंका नहीं ढाई, तो क्या ये विभीषण किसानों में नहीं हो सकता? नहीं, बीजेपी में ही नहीं, किसानों का बिल्कुल भी। जहां तक मैंने बात मानी है, हम सिर्फ ये चाहते थे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर ना उतरे। क्यों ना उतरे? देखिए, उसका मैं जवाब देता हूँ। जब हमारी केंद्रीय नेतृत्व से बात चल रही थी, लगातार बात जारी है, और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी कृषि मंत्री हैं, ये बात मान चुके हैं, कानूनों में कमियां हैं, सुधार करेंगे। उसके बावजूद मुख्यमंत्री का यहां आना और ये कहना भाई कानून अच्छे हैं, फायदेमंद है, समझाएंगे, जब केंद्रीय नेतृत्व पहले मान चुका है, तो यहां प्रोग्राम करना शिष्टाचार के विरुद्ध था और अलोकतांत्रिक तरीका है। इनको अब जो अकल आई है, अमित शाह जी ने जारी किया है फरमान, हरियाणा में कोई भी किसी तरीके का प्रोग्राम नहीं होगा जब तक ये मामला नहीं सुलझ जाता। करनाल में सीएम मनोहर लाल का प्रोग्राम होना था, उनको आना था, उसे एक दिन पहले ही पुलिस कप्तान द्वारा आप लोगों को बुलाया गया, किसान नेताओं को बुलाया गया कि भी, और बैठ के बैठक की गई कि कोई भी प्रदर्शन या कुछ भी ना हो, शांतिपूर्वक ढंग से बातचीत की जाएगी। आप लोगों ने भी इसमें सहमति दर्शाई। जब आप लोगों को पता था सीएम मनोहर लाल खट्टर आने हैं और उनका हेलीकॉप्टर, आपने उस बात को मन में बना लिया था कि उनका हेलीकॉप्टर हम उतरने नहीं देंगे, तो ये तो स्वाभाविक है कि प्रदर्शन होना ही था, कि आपने उनको हेलीकॉप्टर पहले ही सोच लिया नहीं उतरने देना। देखिए, जब पूरे देश में अघोषित इमरजेंसी है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, अघोषित आपातकाल है, हालात बद से बदतर हो रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को सार्वजनिक प्रोग्रामों से, खासकर किसानों के मुद्दे से, मुख्यमंत्री धार्मिक प्रोग्राम कर रहे हैं, जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं थी? नहीं थी। अगर यहाँ जो समझाने बात करने आ रहे थे, क्या उनके साथ एक शांतिपूर्वक ढंग से बातचीत करने में किसानों को क्या दिक्कत हो रही थी, क्यों प्रदर्शन किया गया ये? देखिए, शांतिपूर्वक ढंग से, वैसे किसान कहते हैं कि सरकार हमसे संवाद नहीं करती, बात नहीं करती, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर किसानों से कभी बातचीत नहीं, अब वो बातचीत करने के लिए आए, संवाद करने के लिए आए, तो उनके साथ क्यों इस तरह से बिहेव किया गया, क्यों उनका हेलीकॉप्टर? कोई समय होता है जी, कोई प्रोग्राम होता है, अगर मुख्यमंत्री जी, सुनिए, मुख्यमंत्री जी अगर कैमला में ही आना था, 24 तारीख को, 24 दिसंबर को गुरु ब्रह्मानंद जी का जन्म दिवस था, जिनको कैमलावासी सभी मानते हैं, एक एक बच्चा कैमला का मानता है, पर मुख्यमंत्री जी 24 दिसंबर को गुरु ब्रह्मानंद जी के जन्मदिन पर नहीं आए, कोई धार्मिक आयोजन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अपनी बात बड़ी करने की वजह से, अपना ये दिखाने की वजह से, ये दिखाना चाहते थे मुख्यमंत्री जी भाई ये जो कानून है ये बहुत अच्छे कानून है और इस पे राजनीति हो रही है और इससे पूरे देश में एक मैसेज गया है जो वहाँ किसानों ने किया। अगर जो मुख्यमंत्री जी आप लोगों को ये समझाते तो क्या किसान बच्चे हैं कि उनकी बात मान जाते,
क्या आप मानना नहीं चाहते थे कि ये बात शांतिपूर्ण ढंग से निपट जाए? पहले इस बात का विरोध किया गया कि वे आएंगे और समझाएंगे और हम इस बात को नहीं समझेंगे, क्यों उनकी बात सुनी नहीं गई? सुनने से पहले क्यों अनुमान लगा लिया गया? मैं बताता हूं, एक दिन पहले जब हम डीसी और एसपी से मिले थे, हमने डीसी एसपी साहब से रिक्वेस्ट करी थी आप वर्चुअल प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी को सलाह दीजिए, जब कोरोना महामारी फैली हुई है, हर आदमी मास्क लगाया हुआ है, आप और एसपी से सहमति जताई थी कि हम ये यहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से यह कार्यक्रम किया जाएगा, इसमें हम कुछ भी वो नहीं करेंगे जी। पर वहाँ जो घटनाक्रम हुआ, जो बीजेपी के लोग थे मंच के आसपास, उन्होंने उकसाया है, सारा मामला बीजेपी के लोगों का किया धरा है। और आप कुछ बीजेपी के ऊपर इस बात को डालो, जब आप ही ने पहले ठान लिया था कि हम हेलीकॉप्टर उतरने नहीं देंगे, फिर बीजेपी के लोगों का हाथ बीच में कैसे आ गया? देखिए, जो किसानों की जो बात थी वो सिर्फ और सिर्फ ये बात थी कि किसी तरीके से ऐसा मैसेज दिया जाए, शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन की रूपरेखा में रहते हुए, कानून का पालन करते हुए। मैं आप फिर बताना चाहता हूँ, किसान हाथापाई नहीं चाहता, हेड ऑन कोलिजन नहीं चाहता। हम किसान समझता है ये हमारे लोग हैं, पर किसी तरीके से कॉरपोरेट के बहकावे में है और समझ नहीं रहे हैं। और जो ये कह कर रहे थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, वो सारी चीजों का प्राइवेटाइजेशन किए जा रहे हैं। किस सांसद की सहमति से ये आए कानून? ये अंबानी और अडानी ने ड्राफ्ट अपने आप तैयार करके अपना फायदा लेने के लिए जो चंदा दिया था, जो या बंगाल चुनाव में एडवांस में चंदा दिया जा चुका है, या जो साइलो बन चुके हैं, जो पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली जो बीजेपी बनी हुई है, जो पहले से ही पूंजीपतियों की व्यापारियों की सरकार कही जाती है, क्या जब बहरे शासन और प्रशासन के कान खोलने के लिए करने पड़ते हैं धमाके? गांव कैमला में किसानों ने वही किया जो भगत सिंह जी ने किया था। आप मेरी बात से घूम रहे हैं। मैंने आपको कहा कि भी आपने एक तरफ तो कहा कि भी विपक्ष और पक्ष, हम किसी की तरफ नहीं है, किसान बीच में है, आप उनसे दूरी बनाना चाहते हैं, पक्ष से भी विपक्ष से भी, ठीक है। लेकिन पक्ष के लोग जब पक्ष से सीएम मनोहर लाल आपसे मिलने आए, आपने उनको उनसे नहीं मिले, उनसे संवाद नहीं किया, ठीक है। कब आए हमारे से मिलने? हमारे से मिलने नहीं आए। हमने टोल पे बुलाया, बस्तारा टोल पे बुलाया, कम से कम 72 जगहों पर टोल पर धरने चले हुए हैं और दिल्ली के चारों तरफ धरने चले हुए हैं। हम ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी आए, सिंघू बॉर्डर पर आए, टिकरी बॉर्डर पर आए, किसानों से, जो सच्चे किसान है, जो अपनी मांगों के लिए आंदोलन लड़ रहे हैं, जो वार्ता होती है उन लोगों के साथ वार्ता होती है जो आंदोलन का हिस्सा नहीं है। अब जो कमेटी बनी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, अगर जो सीएम मनोहर लाल मिलने नहीं आए थे तो वो किस लिए आए थे? फिर क्यों उनका प्रदर्शन किया गया? वो जो बीजेपी के पन्ना प्रमुख, बीजेपी के शक्ति प्रमुख, बीजेपी के पदाधिकारी, जो बीजेपी के माध्यम से कोई छोटा मोटा चुनाव जीतना चाहते हैं, जो छोटी मोटी चेयरमैन नहीं चाहते हैं, कोई मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते हैं, कांग्रेस के नेता मिलने हैं तो उनका विरोध नहीं किया गया, उनके साथ तो अच्छे से मिला गया, लेकिन जब सीएम मनोहर लाल मिलने हैं तो उनका विरोध किया गया, क्यों? एक तरफ तो विपक्ष पक्ष का आप साथ दे रहे हैं, विपक्ष से आप दूरी बना रहे हैं। घटनाक्रम समझिए, जब ये लोग विपक्ष में थे, जब ओम प्रकाश धनखड़ जी और अनिल विज जी जब कपड़े उतार कर अर्धनगर होकर एमएसपी मांगते थे और किसान की हक की बात करते थे, विपक्ष अलग चीज होती है, सत्ता पक्ष अलग चीज होती है। जब किसानों को कोई संघर्ष है, किसानों का वो जो बात मनवानी है वो सत्ता पक्ष से मनवानी है, विरोध होगा, अगर सत्ता पक्ष निरंकुश होगा, लाठी गोली चलाएगा, तो बात जो बात होगी, ऑन टेबल बात होगी, या जमीन पे जो आंदोलन होगा वो सत्ता पक्ष के विरुद्ध होगा। वो विपक्ष के विरुद्ध कैसे हो सकता है? विपक्ष तो इसमें कोई पार्टी ही नहीं है। जब विपक्ष के लोगों ने भी कुछ नहीं किया था, जब विपक्ष में थे, हम उनके खिलाफ भी लड़े हैं। असली विपक्ष की भूमिका में इस देश के किसान संगठन रहते हैं, बाकी सभी पार्टियां अपना राजनीतिक माहौल बनाती है, किसान की गर्दन किसान के कंधे को यूज करती है और अपना फायदा उठाती है और लूट मार करके अपना 10 साल। किसान के कंधे को कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं यूज कर रहा, कुछ राजनीतिक लोग केवल। देखो, किसान पूरी तरीके से अंकुश लगाया हुआ है हर पैरामीटर पर, सारी बातें देखते हुए हम एक एक पॉइंट पर बखूबी तरीके से गहन चिंतन और मंथन के बाद आगे बढ़ रहे हैं। जब सभी किसान एक है तो किसानों को दो फाड़ क्यों किया जा रहा है? क्यों सिख किसान और हिंदू किसानों को अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा। किसान एक जमात है और जमात में ही कर्म आता है और किसान अंधाता है, कर्मयोगी, और भगवान के बाद कोई धरती पर है तो वो किसान है। सिख किसानों के लिए एक वीडियो वायरल हो रहा है एक खालिस्तानी का, जिसमें वह पाकिस्तान से सिख किसानों के लिए मदद मांग रहा है। क्यों? कौन है वो खालिस्तानी? हम उसके प्रति कोई गैर जिम्मेदार आदमी है, उसके प्रति बिल्कुल भी जवाबदेही नहीं है।
ये थे हमारे साथ किसान नेता राजेंद्र आर्य, जिन्होंने किसान आंदोलन को लेकर अपनी राय व्यक्त की और साथ ही इस बात की गारंटी भी ली कि 26 जनवरी की रैली में किसान उपद्रव नहीं फैलाएंगे। और साथ ही उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों से किसानों से दूरी बनाने की भी अपील की। अब देखना यह होगा कि 26 जनवरी को किसानों का आंदोलन कितना शांतिपूर्ण होता है। बने रहिएगा हमारे साथ समाचार एक्सप्रेस पर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.